करी मोहम्मदे मजकूर तिन से सुने हरफ 90,000 जहूद तिन साहेब को कहे शून्य निराकार कहे शून्य निराकार ये भी कहे हक की सूरत नहीं प्रीतम अक्षरातीत ने यह खुलासा की वाणी दी है वेद कतेब के स्पष्टीकरण के लिए जिसके आदेश से यह सृष्टि बनती है जिसके आदेश से वेद कतेब का अवतरण होता है वही जानता है कि इसका वास्तविक रहस्य क्या है। जब से सृष्टि पैदा हुई है यह विवेचना चलती रहती है परमात्मा तो है लेकिन कैसा है मनुष्य की बुद्धि यहाँ काम नहीं करती। आपकी आंखें बंद हों जन्म से अंधे व्यक्ति को उससे पूछा जाए सूर्य कैसा होता है चंद्रमा कैसा होता है बेचारे ने तो कभी देखा है नहीं सूर्य और चंद्रमा को उसका बखान कैसे करेगा। जुम्मो सागर से पैदा हुई सृष्टि है वो अपनी मानवीय बुद्धि से आकलन करना चाहती है कि परमात्मा को हम ऐसा बता दें। जब ग्रंथों का आधार लेती है तो देखती है कि परमात्मा को प्रकाशमान कहा गया है सूर्य के समान प्रकाशमान चंद्रमा के समान शीतल कहा गया है सब कुछ कहा गया है तेजोमयी कहा गया है। वेद का एक मंत्र है तेजो यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्याम हे परब्रह्म जो तेरा तेजोमयी कल्याणमयी रूप है उसको मैं देखूं। सारी बातें लिखी हुई हैं लेकिन मनुष्य की बुद्धि इतनी कुंठित हो जाती है कि इसकी विवेचना नहीं कर पाती क्योंकि इस सृष्टि में जो कुछ उसने देखा है उससे परमात्मा के स्वरूप की तुलना कोई की नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है कि हमारे मनुष्यों ने इस पर प्रयास नहीं किया प्रयास तो जितना संभव हो सकता था सबने ये किया कि हम ये निर्धारित कर दें कि परमात्मा का स्वरूप कैसा होता है। अक्षर अक्षरातीत काम ही सोभी कहियत इत शब्द शब्दातीत के उपाम ही ये जो दुनिया सबने समाधि लगाई। आप जानते हैं रामकृष्ण परमहंस भी समाधि लगाते हैं या कोई भी समाधि लगाता है समाधि में महीनों महीनों बैठे रहते हैं क्या देखते हैं प्रणव नारायण को क्योंकि जब तक किसी की सुरता निराकार से परे नहीं जाएगी ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाएंगे। लेकिन एक आभास होता है मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ आपका चित्र यदि खींच लिया जाए और आपका परिचित उस चित्र को देखे आपको न देखे तो भी कह देगा कि ये किसका चित्र है या आप कहीं ऐसी जगह पर छिपे रहें जिसमें आप तो न दिखाई दे लेकिन सामने के दर्पण में आपका प्रतिबिंब झलक रहा हो तो प्रतिबिंब को देखने वाला आपको पहचान सकता है कि दर्पण में जिसका प्रतिबिंब आ रहा है वास्तव में इसका बिंब अर्थात वास्तविक रूप भी यहीं छिपा पड़ा है। यही कहानी है अव्याकृत क्या है अक्षर का मन। अक्षर का मन जब मोह सागर में प्रतिबिंबित होता है तो स्वयं को नारायण के रूप में देखता है तो जैसा अव्याकृत का स्वरूप होगा आदि नारायण का स्वरूप भी वैसा ही होगा। समाधि में सबने किसको देखा आदि नारायण को देखा इसलिए जो वास्तविक प्रणव है उसको ना देखकर प्रतिबिंबित प्रणव को देखकर संसार के मनुष्यों ने ये मान लिया कि ब्रह्म का स्वरूप ऐसा होता है चाहे रामकृष्ण परमहंस हो चाहे बड़े बड़े योगी यति क्यों ना हो और ग्रंथों से मिलान कर लिया कि ऐसा ऐसा है। लेकिन सत्य यह है कि पंचवासनाओं के अतिरिक्त कि कोई अन्य कोई भी ऋषि मुनि योगी यति अव्याकृत के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख सका सबलिक को नहीं देख सका केवल को नहीं देख सका तो अक्षर और अक्षरातीत के स्वरूप के बारे में संसार कैसे जान सकता है। वेद ने कहा
शुक्र ज्योति, चित्र ज्योति, सत्य ज्योति, ज्योतिष्मान च, शुक्रम च, रित्या च, तन्या च, इतना कह दिया गया। कैसा है? नूरी ज्योति वाला है, अद्भुत ज्योति वाला है। अद्भुत क्यों कहा? कि उसकी ज्योति को चांद से तुलना करें, सितारों से करें, सूरज से करें, संभव नहीं है। विद्युत की चमक के समान बताएं कि परमात्मा ऐसा है तो भी उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो अंत में दुनिया हार करके कहती है कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। मनुष्य की बुद्धि की दौड़ कहाँ तक जाती है? मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। विज्ञान का युग है, आप देखिए, पानी से बिजली बनाई जाती है, टरबाइन पर पानी को गिराया जाता है, विद्युत की धारा को, और उसकी ऊर्जा को वो विद्युत में परिवर्तित कर देता है। तारों में वो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, हाथ से छुएंगे तो करंट लगेगा, आपकी आंखों से वो विद्युत तरंग तो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तेजी से भागते जा रहे हैं। लेकिन उसी विद्युत धारा को आप बल्ब के अंदर प्रवेश कराते हैं तो प्रकाश दिखने लगता है, हैलोजन बहुत ज़्यादा प्रकाश देने लगता है। हीटर भी आप चला सकते हैं, गर्मी प्राप्त कर सकते हैं। जो नहीं था वो दिख रहा है। विद्युत तरंग को आपने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसके कण इतने सूक्ष्म हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से एक और दृष्टांत है, जब आपका फोटो खींचा जाता है, अंधेरे में किसी व्यक्ति का फोटो तो नहीं खींचा जा सकता क्योंकि हमारी आंख की रेटिना में उसका प्रतिबिंब आना चाहिए और इसके लिए प्रकाश चाहिए। जब तक उसको प्रकाश के कणों से, फोटॉन्स कणों से गुजारा नहीं जाएगा, प्रतिबिंब कैसे आएगा? आपका कैमरे में फोटो खींचा जा रहा है, कहीं ना कहीं प्रकाश का सहारा लिया जा रहा है। आपके शरीर से किरणें नहीं निकले तो आपका चित्र कैसे बनेगा? लेकिन जो प्रकाश के कणों के सहारे आपका चित्र बन रहा है उसको आप अपनी आँखों से नहीं देख रहे हैं। जैसी आपकी नाक है, जैसी आपकी आँख है, अब ऐसा प्रतिबिंब आपको दिख रहा है। आप एक्सरे कराते हैं, एक्सरे मशीन से जो रेज छोड़ी जाती है, क्या आप अपनी आँखों से देख सकते हैं? लेकिन आपके शरीर के अंदर का चित्र निकल करके आ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ कण प्रवेश किए और उन्होंने आपके अंदर का चित्र खींच लिया। मेरे कहने का आशय क्या है? जो अतिंद्रिय शक्ति है, जो अति इंद्रिय का, इंद्रियों से जो परे है, मन से जो परे है, बुद्धि से जो परे है, उस स्वरूप के बारे में बुद्धि से कैसे बताया जाए कि परमात्मा का स्वरूप ऐसा होता है? इसलिए हार करके दुनिया कहती है उसका कोई रूप नहीं है। लेकिन जब पढ़ती है आदित्य वर्ण तमस प्रस्ताद, आप किसी भी पौराणिक मंदिर में चले जाइए तो आपसे संकल्प कराया जाएगा, उसमें रटे रटाए पुरुष सूक्त के मंत्र पंडित लोग याद कर लेते हैं और उसका पाठ शुरू कर देते हैं। खूब जोर जोर से बोलेंगे आदित्य वर्ण तमस प्रस्ताद, सहस्त्र सिरसा से शुरू करेंगे, पूरा सुर पुरुष सूक्त सुना देंगे। बेचारों को उनका अर्थ तो पता भी नहीं होता। आदित्य वर्ण तमस परस्तात जो कहेगा, अनंत सूर्यों से प्रकाशमान और कहाँ है प्रकृति से परे, पूछा जाएगा कि आदित्य वर्ण किसको कहेंगे? नहीं मालूम। दुनी कहे हक को वजूद नहीं मुतलक, तो ये हुक्म किसने किया जो सूरत नहीं है? आदेश देने वाला कौन है? सृष्टि किसने बनाई है? सारे मनीषी थक जाते हैं और अंत में कहते हैं कि जब वो सब सर्वज्ञ है तो हर जगह होगा, हर जगह होगा तो उसके हाथ पैर हम कैसे बनाएं? इसलिए मानना पड़ता है कि उसका कोई उसकी कोई आकृति नहीं है, कोई रूप नहीं है। आपके अंदर जीव है यह तो मानते हैं आप, जीव साकार है या निराकार, अब क्या उत्तर देंगे? जीव की कोई आकृति नहीं बन सकती। दुनिया में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो आपके मन का चित्र खींच सके, बुद्धि का चित्र खींच सके, चित्त का खींच सके या जीव का खींच सके। लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि मन का रूप नहीं है? आपके जीव का तो रूप है, 16 सूर्यों के तेज के बराबर आपके जीव का रूप है। लेकिन वो
आपके शरीर में है आप प्रस्त कर सकते हैं कि यदि 16 सूर्यों के तेज के समान जीव का तेज है तो हमारा शरीर तो जलकर राख हो जाना चाहिए। लेकिन बात यह नहीं है, वो चेतन तत्व का प्रकाश है। जैसे मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया, विद्युत के तारों में विद्युत प्रवाह दिख रहा है तो आंखों से देखकर आप ये नहीं कह सकते कि बह रहा है कि नहीं बह रहा है, क्योंकि आंखों से वो वस्तु अतिंद्रिय है। जो जीव का स्वरूप है अग्नि की तरह दाहक नहीं है, प्रकाशमय तो है। इस बात से निराकारवादियों को हौसला बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि जैसे शरीर में जीव रहता है किंतु इतना सूक्ष्म होते हुए भी प्रकाशमय होते हुए भी आंखों से देखने में नहीं आता तो हम निराकार कहते हैं, उसी तरह से परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, अतिंद्रिय है, इसलिए प्रकाशमय तो है किंतु हम आकृति नहीं बना सकते, वो सर्वत्र व्यापक है। बड़े से बड़े वेद का विद्वान, वेदांत का विद्वान सृष्टि के प्रारंभ से आज तक ऐसे ही कहता आया है। लेकिन कोई ये कहने के लिए, मानने के लिए राजी नहीं है कि परमात्मा अंधकार को कहते हैं। सभी तो मानेंगे प्रकाशमय है, ओम भी लिखेंगे तो उसके चारों ओर प्रकाश का पुंज बना देंगे, किंतु यह नहीं मानते कि उसके हाथ हैं पैर हैं। श्रृंगार वर्णन करते समय इसलिए महामती जी के शब्दों में एक चौपाई अवतरित होती है, जिन जानो ए वर्णन करत आदमी का, ए सबसे न्यारा सुभान जो अर्ष अजीम में पका। प्रकृति में परिवर्तन होता है, कारण प्रकृति निराकार है, सूक्ष्म प्रकृति निराकार है, जब स्थूल कार्य जगत में परिणित होती है तो साकार कहलाती है। जो निराकार था वो साकार में बदला, प्रलय होगा तो साकार निराकार में बदल जाएगा, लेकिन परमात्मा परिवर्तन से रहित है, न वो साकार में परिवर्तित होता है न निराकार में परिवर्तित होता है। अनादिकाल से जैसा था अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, उसमें रंच मत भी परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे परब्रह्म के स्वरूप के बारे में संसार को मौन होकर के रहना पड़ता है। ये तो मैंने वैदिक सिद्धांत का निरूपण किया कि हिंदू पक्ष परमात्मा को किस रूप में देखता है। यही बात कतेय पक्ष में भी घटित होती है। मुहम्मद के अंदर अक्षर की आत्मा है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अक्षर की आत्मा 14 लोक के इस ब्रह्मांड निराकार को पार करती है, बेहद मंडल को पार करती है, चौथे आसमान में पहुंचती है। पहला आसमान काल माया का, दूसरा आकाश बैकुंठ का, तीसरा बेहद मंडल का, और इसके पश्चात तो परम धाम में पहुंचती है। नासूत मलकूत जबरूत को पार करके लाहूत में पहुंचती है। वेदों में इस संबंध में संकेत दिया गया है, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्योलोक की बात कही गई है और इसके परे बेहद मंडल शुरू हो जाता है। लेकिन इन रहस्यों को बिना तारतम वाणी के प्रकाश के कोई भी जान नहीं पाया था। प्राणनाथ जी की वाणी हमें मिली है सारे संसार को मार्ग दिखाने के लिए। हम हिंदू को भी समझा सकते हैं, मुस्लिम को भी समझा सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए आत्मविश्वास हमें पैदा करना पड़ेगा। हमें अपने अंदर वो दक्षता पैदा करनी पड़ेगी कि संसार के सभी मनुष्यों को हम अपने दार्शनिक सिद्धांतों से अवगत करा सकें कि वास्तव में परमात्मा का स्वरूप कैसा है, चाहे वो वेद पक्ष को मानने वाला हो चाहे कतेय पक्ष को मानने वाला हो। आप देखिए मोहम्मद साहब के अंदर जो अक्षर की आत्मा होती है, मेराज होता है। अक्षर की आत्मा धनी के जोश, धनी के जोश को कहते हैं कतेय पक्ष की भाषा में जिब्रील, और संतों की भाषा में उसको नित्य अनादि सतगुरु कहा गया है। एक विचित्र बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, जो संत मत की विचारधारा है, वैसे तो विषयांतर है लेकिन मैं इसको स्पष्ट संक्षेप में कर देता हूं। राधा स्वामी मत मानता है कि सतगुरु ही सब कुछ है और सतगुरु से ही ज्ञान आता है, लेकिन वो शरीरधारी सतगुरु को पकड़ करके बैठे हैं। एक संत हुए हैं सदाफल देव जी, उन्होंने कहा है
कि ये क्षर है, अक्षर है और अक्षरातीत है, लेकिन अक्षरातीत को पाने के लिए एक नित्य अनादि सतगुरु है। उन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या में भी उस तत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए हैं कि नित्य अनादि सतगुरु किसको कहते हैं। संसार में बेहद मंडल का ज्ञान जिब्रील के द्वारा आता है, पर ब्रह्म के जोश के द्वारा। जेती पैगंबर भय पाई जब्राइल से बुझ रखी। जिब्रील जब आएगा तो उनको अखंड का ज्ञान होगा, नहीं तो मानवीय बुद्धि निराकार और साकार से के इस जगत से परे कुछ सोच नहीं पाएगी। उपनिषदों में इस पर काफ़ी विचार किया गया है कि परमात्मा के स्वरूप को कैसा कहें। अंत में हार कर ऋषियों ने कह दिया कि न उसको अंधकार कहेंगे, न प्रकाश कहेंगे, न तेज कहेंगे, न ज्योति कहेंगे, न रूप कहेंगे, न अरूप कहेंगे। यानी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है कि हम कैसे उसको बताएं। जैसे कोई सिद्ध महापुरुष आपके सामने प्रकट हो जाए तो पहले प्रकाश में ही दिखता है और तब आपकी आंखों को आभास होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है हम देखते रहते हैं कि उसका जीव निकल गया, शरीर का अकड़ जाना जब हम देखते हैं, मुंह खुला रह जाता है, नाक खुली रह जाती है, तो सोचते हैं कि इसका जीव निकल गया है, लेकिन निकलते हुए जीव को हम देख नहीं पाते। कितना शक्तिशाली से शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा लें, कैमरा लगा लें, जीव के चित्र को हम देख नहीं पाते, लेकिन एक दिव्य दृष्टा योगी वो देख सकता है कि सूक्ष्म शरीरधारी जीव का स्वरूप कैसा होता है। समाधि में जब आप बैठेंगे और दसवें द्वार में अपने जीव का स्वरूप देखेंगे तो लगेगा कि 16 सूर्य उग आए हों। वो सूर्य का प्रकाश नहीं होता, ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता, वो आपके जीव का प्रकाश होता है। एक जीव शरीर में रहता है, चींटे के अंदर भी रहता है, अमीबा के अंदर भी रहता है, लेकिन वो चेतन होने के कारण हमारी आँखों से दृष्टिगत नहीं होता। यह विचारधारा प्रत्येक मनुष्य के अंदर घर कर कर बैठी हुई है। तारतम वाणी के प्रकाश में यह जाना जा सकता है कि परब्रह्म का स्वरूप कैसा है। यदि वो अनंत सूर्यों के समान प्रकाश है तो अनंत सूर्यों की शीतल, अनंत चंद्रमा की शीतलता भी लिए हुए है, अनंत फूलों की कोमलता भी लिए हुए है। और ऐसे स्वरूप के बारे में बुद्धि से ये बताना कि ऐसा है कभी भी संभव नहीं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बेचून बेचगुण। बेचून बिना रूप का, बिना गुण का, पेशवी बेनेमो, अनुपम है, किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, अद्वितीय है, उसके जैसा रूप वाला न कोई था, न है और न कभी होगा। ऐसे स्वरूप के बारे में कैसे तुलना कर दी जाए, बताया जाए कि इसका स्वरूप ऐसा ही है। इसलिए ऋषियों में जब वार्तालाप होता है कि परमात्मा कैसा है तो सभी ऋषि मौन हो जाते हैं कि यह वाणी का विषय नहीं है, और यह कह करके शांत हो जाते हैं। केवल समाधि में बैठो और देखो और मौन हो जाओ, क्योंकि गूंगे से पूछिए गुड़ खिलाकर कैसा लग रहा है, वो बेचारा क्या बताएगा, मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है, तीखा लग रहा है, क्योंकि तो वाणी का विषय ही नहीं है। अब परब्रह्म का आवेश स्वरूप प्रकट होता है महामती जी के धाम हृदय में, और वो बोलेगा कि नहीं, परमात्मा के स्वरूप की विवेचना हो सकती है, लेकिन हमारे समाज ने इसका प्रस्तुतिकरण इतने सामान्य ढंग से किया कि संसार के मनुष्यों को वो स्वीकार नहीं हो पाया, क्योंकि हमने दर्शन को अनदेखा कर दिया। दर्शन शास्त्र जिसको फिलॉसफी कहते हैं, हमने केवल कुछ चौपाइयाँ पढ़ी और कह दिया कि हमारी वाणी में लिखा है कि राज्य कान में कुंडल पहनते हैं, गले में 5 हार पहनते हैं, सिर पर पाग बांधते हैं, केसरिया रंग की जार पहनते हैं, श्वेत रंग का बागा पहनते हैं, तो आपके इस श्रृंगार वर्णन को कोई भी विद्वान क्यों स्वीकार करेगा। क्योंकि हमारा प्रस्तुतिकरण एक मानवीय ढंग से हो गया, जैसे राधा कृष्ण का श्रृंगार होता है, सीताराम का होता है, हमने भी राज्य को वैसा ही बना दिया। यही कारण है कि जो अलौकिक ज्ञान था हमारे गलत प्रस्तुतिकरण से छिपा ही रह गया, और संसार परब्रह्म के स्वरूप को जानने में असमर्थ रहा। इसके लिए हम पूरी तरह से दोषी हैं। हमारे समाज में जो अकर्मण्यता की हवा बही, उसने हमें इतना पुरुषार्थ से रहित कर दिया। हमें बस ये कह दिया गया कि कुछ चौपाइयाँ याद कर लो, सबको पढ़ करके क्या करोगे। एक बात बताइए,
अर्जुन तो धनुर्धर थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध होता है आप देखेंगे उनके रथ पर तलवार भी रहती थी और भी अस्त्र शस्त्र रहते थे। पता नहीं कब किस अस्त्र की आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि धनुष बाण से तो दूर के व्यक्ति को मारा जाएगा, जो 5 फुट के पास आ जाएगा उस तो उसको तो तलवार से ही निपटा जा सकता है। आप सुंदर साथ में तो वाणी चर्चा सुनाएंगे, प्रवाहियों के बीच में आप जब ये कहेंगे कि हमारी चौपाई ये कहेगी, तो कोई भी प्रवाही कह देगा कि आपकी चौपाई तो आपके समाज के आचार्यों की बनाई हुई है, हम क्यों माने। इसलिए जो जिस भाषा में जानना चाहता है, जिस सिद्धांत में, जिस ग्रंथ से जानना चाहता है, उसको उस ग्रंथ की भाषा में हम नहीं समझा सकते तो वाणी को हम फैला नहीं सकते। इसलिए आवश्यकता है हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक करने की, कि हम किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं हैं, हम सारे संसार के लिए हैं। और यदि ब्रह्मवाणी को फैलाना है तो सारे संसार के लोगों तक अपनी ब्रह्मवाणी की गूंज पहुंचाने के लिए हम उनके विचारों को सुनना होगा और तारतम्य वाणी के प्रकाश में उनको वास्तविक रूप से समझाना पड़ेगा। अभी मैं जो कह रहा था कि सदाफल देव जी महाराज ने यह माना है, उनकी रचनाओं में ऐसा मिलता है, मकर तार की डोर धराऊं, सूरत शब्द जुड़ाऊं, ऐसे ऐसे शब्द कहे जाते हैं संतों की वाणियों में। वो मकर तार क्या है? जब 10वें द्वार से योगी ऊपर जाता है, समाधिस्थ होता है, तो परब्रह्म का जो सही आगे ले जाएगा वही निराकार को पार कराएगा। जिसके ऊपर परब्रह्म की कृपा नहीं होती है, परब्रह्म का जोश नहीं मिलता है, जिब्रील नहीं आता है, वो निराकार से पार नहीं कर पाता और इधर ही भटक जाता है। निराकार मंडल में नारायण की ज्योति को वो देख कर मान लेता है कि हमने ब्रह्म का दर्शन कर लिया। अब अक्षर की आत्मा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के तन में विराजमान है, परब्रह्म के जोश जब्राइल के द्वारा नसूत मलकूत जबरूत को पार करके लाहौत में पहुँचती है। यहाँ से जो सबे ए मेराज ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें सारा ग्रंथ विस्तृत रूप से वर्णन है। कुरान के 15वें पारे में आता है सूरातुल मेराज का जो प्रसंग है कि मोहम्मद की रूह ने इस नसूत मलकूत जबरूत को पार करते हुए, कुरान की आयत में ये शब्द नहीं लिखे हैं, मैं भाव बता रहा हूँ, किस तरह से मूल मिलावे में जाती है, अल्लाह ताला का दीदार करती है। 90,000 हरूफ बातें भी करती हैं, लेकिन हर मौलवी हर मौलाना बड़े बड़े कुरान के जानकार यही मानने के लिए तैयार हैं कि हक की कोई सूरत नहीं है। आपने अभी तक में प्रसंग सुना होगा किस तरह से जब श्री जी रामनगर जाते हैं, ये इब्राहिम के पश्चात भाव सिंह के दरबार में, तो रामनगर से पहले की घटना है, भाव सिंह के दरबार में जो मुस्लिम सुंदर साथ होता है उससे सुंदर साथ ने, लालदास जी ने वर्णन कर दिया खुदा की सूरत का, परिणाम क्या होगा, हो गया, वो नाराज होकर के चला गया कि तुम काफिर हो, अल्लाह की सूरत का वर्णन करने का अधिकार तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। जब दूसरे दिन लौट करके आता है मूल स्वरूप की प्रेरणा से, श्री जी समझाते हैं तो सब कुछ मान लेता है, लेकिन जैसा वो समझना चाहता था वैसा कोई समझा नहीं पाया। यही कारण है कि चाहे हम हिंदू हो या मुस्लिम, मैंने वैदिक धर्म ग्रंथों की समीक्षा करके आपको कहा कि क्या कारण है कि बड़े बड़े वेद के विद्वान, उपनिषद के विद्वान ब्रह्म को ज्योति स्वरूप मानते हुए भी निराकार मानते हैं, क्या कारण है। एक संक्षेप से दृष्टांत देता हूँ, ये मंच है, मंच पर ऊपर जो ट्यूबलाइटें पड़ रही हैं इसका प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाश ने कोई आकृति तो धारण नहीं की है, प्रकाश पुस्तक पर भी पड़ रहा है, इस मंच पर भी पड़ रहा है, जैसी आकृति है प्रकाश वैसी ही आकृति में हो जा रहा है, एक निश्चित आकार नहीं है। जैसे पानी को लोटे में डालिए तो पानी लोटे जैसा आकार बना लेता है, गिलास में डालिए वैसा ही बना लेता है, पूछा जाए पानी का आकार क्या है, कुछ आकार नहीं,
पानी का रूप है, आकार नहीं। प्रकाश का रूप है, आकार नहीं। उसी तरह से वेद के विद्वान ये मानते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप तो है लेकिन आकार से रहित है, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। निराकार और रूपहीन होना दोनों में अंतर होता है। आप प्रकाश को तो देख सकते हैं, पानी को तो देख सकते हैं, लेकिन आप पानी और आकाश प्रकाश को रूप से रहित नहीं कर सकते। यही कारण है कि परमात्मा को विवश होकर सबने निराकार कहा। जैसे मैं नीचे देखता रहूं तो मैं भी कहूंगा कि हाँ प्रकाश का कोई आकार नहीं, लेकिन प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ट्यूबलाइट से आ रहा है। सूर्य के प्रकाश को हम नीचे देखें तो कहेंगे कि सूर्य प्रकाश तो बिल्कुल निराकार है, ऊपर आकाश में देखेंगे तो आकाश में चमकता हुआ सूरज दिखाई देगा, तब हम कह सकते कि हाँ इस प्रकाश का मूल स्वरूप तो आकृति लिए हुए है। अनंत परम धाम में अक्षरातीत कई हृदय ही तो परम धाम के रूप में प्रकट है। परम धाम के कणकण में अनंत तेज है, लेकिन उस तेज का जो मूल है अक्षरातीत का हृदय, उसने अति सुंदर आकृति धारण कर रखी है। जब किसी को दिखा ही नहीं, जब अनंत तेज से हर कोई सम्मोहित हो गया, जब अव्याकृत के तेज को संसार देख नहीं पाया, अव्याकृत के मन के प्रति अव्याकृत के प्रतिबिंबित स्वरूप नारायण को ही देखकर मुग्ध हो गया, वाणी से वर्णित नहीं हो सका, तो अक्षर और अक्षरातीत के स्वरूप के बारे में संसार क्या कह सकता था। इसलिए मोहम्मद की रूह जाती है राज्य से 90,000 हरूफ बातें करती हैं, और जैसे ही कालमाया में उनकी सुरता आती है सारी बातें अक्षर की आत्मा भूल जाती है। अब जिब्रील उन संदेशों को लाकर लाता है। जिब्रील भी कहाँ जाएगा? सत्स्वरूप तक। सत्स्वरूप ही जिब्रील का ठिकाना है। वाणी में यह वर्णन आता है कि जित जोय ना उलंघत जिल चढ़ न सकिया जिब्राइल, कहे मेरे पर जलत नूर तजला की तजली ये ज्योति ना सह सकत। जोय ना उलंघत का अर्थ हम ये मान लेते हैं कि जमुना जी तक चला गया, जमुना जी तक जा ही नहीं सकता। सरोवर सागर से लेकर दधिसागर तक, पश्चिम में के सागर तक, और इधर क्षीर सागर से लेकर रस सागर तक, सब कुछ तो परम धाम ही है। सरोवर सागर में राजी आते हैं, सखियां आती हैं, श्यामा जी आती हैं, इसलिए परम धाम के अंदर जो अक्षर धाम है सर्वत्र प्रेम की लीला होती है। आप ये सोचिए कि अक्षर धाम में प्रेम नहीं होता, ऐसा नहीं है। अक्षर धाम भी तो परम धाम के अंदर है। अक्षर धाम में केवल अक्षर का स्वरूप सत्ता का स्वरूप है, और वो भी स्वरूप एक है दोई, स्वरूप एक है लीला दोई, इतना और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोई। अक्षर और अक्षरातीत दोनों एक ही स्वरूप है, लीला रूप में अलग अलग भाषित हो रहे हैं। इसलिए महालक्ष्मी को भी वही सुख मिलेगा जो श्यामा जी और सखियों को मिलता है। आनंद की वहदत में श्यामा जी के साथ महालक्ष्मी भी हैं। आप ये मत समझिए कि बेचारी महालक्ष्मी जी तरसती रहती होंगी इष्ट के लिए, क्योंकि परम धाम का एक एक कर्ण राज्य का स्वरूप है। अक्षर की निज लीला बेहद मंडल के ब्रह्मांड में होती है। बेहद का ब्रह्मांड भी प्रेममयी ही है। ऐसा मत समझिए कि बेहद का ब्रह्मांड रूखे सूखे लोगों के लिए और केवल हमारे पास ही इसका है। हाँ, परम धाम के प्रेम के सामने बेहद में प्रेम नगण्य है, लेकिन बेहद का प्रेम ईश्वरीय सृष्टि के लिए वही अनंत परम धाम का प्रेम है। और बेहद के प्रेम के समक्ष बैकुंठ का प्रेम नगण्य है। बैकुंठ के प्रेम और आनंद के समक्ष कालमाया का प्रेम और आनंद नगण्य है। हम जिस स्तर पर हैं उसी तरह से हम सोचते हैं, हमें परम धाम का ज्ञान मिल गया है तो हम ये सोचते हैं कि बेचारा अक्षर ब्रह्म तो प्रेम के लिए तरसता रहता है। ठीक है, अक्षरातीत के खिलवत के सुख को अक्षर की आत्मा रसवान नहीं कर पाती थी, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब अक्षर की आत्मा को सब कुछ मालूम हो गया है। मेरी संगति ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारते में सब शुद्ध परी लीला अंदर की घर। अब अक्षर की आत्मा को राज्य के एक एक श्रृंगार का पता है, श्यामा जी के एक एक श्रृंगार का पता है। अक्षर की आत्मा राज्य से 90,000 हरूफ बातें करके आती है, सब भूल जाती है,
समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जिब्रील के द्वारा आयतों का अवतरण होता है, संसार को एक मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन जब उसी बात को मौलवी पढ़ते हैं, मौलाना पढ़ते हैं, तो तारतम का प्रकाश न होने से वो मान लेते हैं कि खुदा का कोई रूप नहीं। क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई सूरत नहीं जिसे उसकी मिसाल दे दूँ कि अल्लाह ताला ऐसा है। जब वो स्वयं आएगा तो बखान करेगा, अरबों से ऐसा कहा कागज ही परवान, आउसी रब आलम का तब खोल सी कुरान, और जब तक उसके भेद न पता हो कैसे कोई जान सकता है। वेद में दर्जनों मंत्र ऐसे हैं जिसमें परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, लेकिन वेद का विद्वान परमात्मा को अंधकार तो नहीं मानेगा, अनंत सूर्यों से प्रकाश मानेगा, फिर कह देगा निराकार है, क्योंकि उसने प्रकाश के मूल स्रोत को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन परमधाम की आत्माओं के लिए तो अवसर है कि तारतम वाणी के प्रकाश में वे वेद के रहस्यों को भी उजागर करें और कतेब के भी रहस्यों को उजागर करें। खुलासा ग्रंथ में आज इसी चौपाई की विवेचना है कि सत्य क्या है और संसार जैसे आँखों पर पट्टी बांध कर खोजने का प्रयास करता है। जैसे कई मोतियों की वर्षा हो रही हो, किसी ने बता दिया कि देखो वहाँ जाओगे तो मोतियों को चुनने का तुम्हें अवसर मिल सकता है, लेकिन व्यवस्था ये है कि वहाँ आँखों पर पट्टी बांध करके जाना पड़ता है। बेचारी दुनिया आँखों पर पट्टी बांध कर मोतियों को खोजने का प्रयास कर रही है, आवाज़ आती है कि यहाँ है यहाँ है, लेकिन दिख नहीं रहा है। वैसे ही वेद मंत्रों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कैसे वर्णन करें। मुंडक उपनिषद में लिखा है, हिरण्य परे कोसे विरचम ब्रह्म निष्कलम तत् सुप्रम ज्योतिषाम ज्योति यत आत्मविदो विदु। ज्योतियों का ज्योति है, ज्योतियों का ज्योति का अर्थ क्या होता है? ये सूरज की ज्योति नहीं, चंद्रमा की ज्योति नहीं, ताराओं की ज्योति नहीं, गैलेक्सियों की ज्योति नहीं, इनको भी जो प्रकाशित कर रहा है ऐसी अनुपम ज्योति है, लेकिन कैसा है हम नहीं जानते, आकार का वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए वेद ने क्या कहा, सपरि अगाध सुक्रम, अगाध हमारे तन जैसा तन नहीं है, शरीर से रहित है। तो हमने सोच लिया कि परमात्मा का कोई स्वरूप नहीं, परि अगाध सुक्रम कह दिया, अगाध का अर्थ होता है शरीर से रहित, आके कह दिया सुक्रम, जिसको अरबी में नूर कहते हैं उसको वेद की भाषा में शुक्र कहते हैं, आदित्य वर्ण कहते हैं, भर्गा कहते हैं। स परि अगाध सुक्रम अभ्रणम, नस नाड़ी नहीं है, स्नायु नहीं है, अभ्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपापविधम, शुद्ध स्वरूप है। शुद्ध का तात्पर्य क्या है, प्रकृति से परे है। अब ऐसा स्वरूप वेद ने शर्त रख दी कि जैसी हमारी नस नाड़ियाँ हैं, परमात्मा की नस नाड़ी नहीं है, हड्डियाँ नहीं है, स्नायु नहीं है, मांस नहीं है, प्रकाश स्वरूप है। अब इसका रहस्य कौन खोलेगा, जिसके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश होगा। अन्यथा चारों वेदों के विद्वान इस मंत्र को पढ़ते ही कह देते हैं कि देखिए परमात्मा के लिए वेद ने कहा अगात, शरीर नहीं है, इसलिए निराकार, क्योंकि पंचभूतात्मक कोई भी शरीर सर्वज्ञ नहीं हो सकता, प्रकृति के दोषों से रहित नहीं हो सकता। परमात्मा तो त्रिगुणातीत है, न उसको साकार के बंधन में रख सकते हैं, न निराकार के बंधन में रह सकते हैं। इसलिए जिसने थोड़ा बहुत खोजने का प्रयास किया, सौंदर्य के अनंत सागर को देखकर वो वेशुद्ध हो गया। जैसे आप फूलों की घाटी में जाएं, बद्रीनाथ से आगे बढ़ेगी तो संभवतः इतनी सुगंध आएगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, वेशुद्ध हो जाएंगे। उसी तरह से अनंत सौंदर्य, अनंत तेज, अनंत प्रेम की एक झलक पाते ही मनुष्य की बुद्धि कुंठित हो जाती है। समाधि में जो थोड़ा बहुत झलक भी देखा, बाहर बोलने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। उनको छोड़िए, युगलदास जी महाराज जब चर्चनी का वर्णन करते हैं, अपनी वृत्त लिखते हैं, तो पहले कितनी प्रार्थना करते हैं। सभी परमहंसों ने यही कहा है कि हे अक्षरातीत प्राणनाथ, आपकी कृपा के बिना तो हमारी लेखनी एक अक्षर भी लिखने में समर्थ नहीं है, अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए ताकि हम आपकी शोभा का वर्णन कर सकें। पुराण संहिता में भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, परमधाम का वर्णन तो दूर, परमधाम के एक पत्ते का वर्णन करने में करोड़ों कल्प व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए
परम धाम का वर्णन कौन करेगा? स्वयं अक्षरादित। और इस ब्रह्मवाणी के रूप में धामधुनि ने करके दिखाया। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने इस ज्ञान को छिपाए रखा, मंदिरों की चार दीवारी से अलग बाहर नहीं निकलने दिया। स्वयं भी आत्मसात कर लेते तो कम से कम हमारे मुख से तो संसार को पता चलता। उस हीरो की तिजोरी से क्या लाभ है जिसका जिसकी चाबी ही गुम हो गई हो। हम छिपा छिपा कर रहते रहे कि हमारे पास 10 तिजोरियों में हीरे भरे पड़े हैं, लेकिन हमें बेचने का अधिकार नहीं, खोलकर देखने का समय नहीं है। तो संसार तो कहेगी, संसार तो यही कहेगा, तुम गबोड़े हो, झूठे झूठे कहते हो कि हमारे पास 10 तिजोरियों के हीरे हैं, तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यही सारी कहानी हमारी है। हमने यदि वास्तविक प्रस्तुतिकरण किया होता तो संसार आज लोहा मानता निजानंद के ज्ञान का, कि ये अलौकिक ज्ञान है जिसने वेद और कतेब के रहस्यों को उजागर किया है। सुनिए, वही बात प्रसंग चल रहे हैं कि जैसे दुनिया कहती है वैसे ही मोहम्मद के मानने वाले भी कहते हैं कि हक की कोई सूरत नहीं। जो कहा वे मोहम्मद के ये भी कहे हक की सूरत नहीं, जो कहा वे मोहम्मद के। सोई शब्द सुना पकड़िया आगू काफर कहते थे जे। काफर किसको कहते हैं? जो परमात्मा को नहीं माने। आप एक नई विचारधारा रजनीश ने पैदा कर दी है। वो श्रीमान जी कहते हैं परमात्मा तो ऊर्जा है, साकार का भी झंझट खत्म, निराकार का भी झंझट खत्म। रजनीश ने ये चतुराई की और रजनीश के पास सम्मोहन था। आप जानते हैं मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे, उनका नाम था राजेंद्र कुमार जैन, जबलपुर के प्रोफेसर थे। और सम्मोहन की विद्या क्या होती है? सूक्ष्म बिंदु पर आप अपने मन को 3 घंटे तक बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहिए अपनी आँखों से, तो आप जो कहेंगे सुनने वाला मान लेगा। आप भी ऐसा प्रयोग मत कर दीजिएगा क्योंकि ये पाप है। सम्मोहन विद्या से सम्मोहित करके अपनी बात मनवाना एक अपराध है। जो रजनीश ओशो रजनीश कहलाए, ओशो रजनीश का अर्थ होता है परब्रह्म रजनीश। आचार्य राजेंद्र कुमार जैन आचार्य रजनीश बने, भगवान रजनीश बने, अब ओशो रजनीश कहलाए। और सच है अपने बुद्धि और तर्क से जब वो व्यक्ति बोलता था तो सबको अपनी बात मानने के लिए विवश कर लेता था, लेकिन उनके कक्ष के बाहर लिखा रहता था कि अब कृपया जूता और दिमाग बाहर छोड़ करके आए, जो मैं कह रहा हूँ वो मानना पड़ेगा। और तर्क से अपनी बात मनवा लेता था। पूछा गया परमात्मा कैसा है, कहती है ऊर्जा है। और वही बात आजकल के जो विश्वविख्यात प्रवक्ता हैं सभी बोलने लगे हैं, परमात्मा तो ऊर्जा है। पूछा जाए ऊर्जा जड़ है या चेतन, कोई उत्तर नहीं। द्रव्य से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा द्रव्य में रूपांतरित होती है। तो प्रश्न ये है कि क्या परमात्मा भी बनता और बिगड़ता है? इसलिए ऊर्जा की जो थ्योरी प्रस्तुत की गई है पूर्णतया गलत है। ये तो बचने वाली बात है कि कोई हम सत्य कह भी दे। सरकार से ये किस्सा सुनाया करते थे कि जो भविष्यवक्ता कोई गया उनके पास, पूछा कि पुत्र होगा कि पुत्री, उन्होंने कह दिया पुत्रम न पुत्री। पुत्र होगा तो कहेंगे कि हमने तो कहा था कि न पुत्री पुत्र होगा, और पुत्री हो जाएगी तो मैं कह दूंगा कि पुत्रम न पुत्री। वैसे ही इन्होंने ऊर्जा की का सिद्धांत निकाल लिया, परमात्मा ऊर्जा है। अब वहाँ कोई झंझट ही नहीं रहा कि परमात्मा साकार है कि निराकार है। अब राज जी कह रहे हैं कि पहले काफिर करते थे, पहले कि जो काफिर, काफिर किसको कहते हैं? जो परमात्मा का अस्तित्व न माने। एक तो परमात्मा का अस्तित्व मानने वाला व्यक्ति साकार में मानेगा या निराकार में मानेगा। दूसरे वे व्यक्ति हैं जो पहले तो मानते नहीं, और मानते हैं तो कह देते हैं कि हमने उसके बारे में सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, होगा तो होगा, जैसा होगा हम देख लेंगे, अभी तो हमारे पास समय नहीं है ऐसे परमात्मा को खोजने का। श्री जी यही बात कह रहे हैं, कहलावे मोहम्मद के चले ना मोहम्मद के साथ। आज सारा संसार में बहुसंख्यक वर्ग है मुस्लिम समुदाय का,
और कुरान के वास्तविक आशय को न जानने के कारण ये आज भी कहते हैं खुदा की कोई सूरत नहीं। आप किसी भी मुसलमान से कितने भी प्रेम से समझाइए अल्लाह ताला की सूरत है तो लड़ने मरने को बेचारा तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रकाश तो मिला ही नहीं। अभी तक में ये प्रसंग जब आता है, अभी जहान मोहम्मद का मैं प्रसंग सुना रहा था कि जहान मोहम्मद इसी बात से तो लड़ कर के गया था कि तुमने खुदा की सूरत का वर्णन कैसे कर दिया। और जब जहान मोहम्मद से औरों की बात होती है तो वो नाराज़ होते हैं, और जब जहान मोहम्मद कुरान की आयत का उदाहरण देता है कि सूरतुल मेराज में वर्णन है रुवे तरवी फिर लैलतुल मेराज, यानी मेराज की रात्रि में मैंने खुदा की हसीन सूरत का दर्शन किया है, तो जानते हैं उत्तर क्या मिलता है। उत्तर यह मिलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक औरंगजेब न माने हम कैसे मान सकते हैं। यही कहानी है, जब इनके बड़े बड़े स्वीकार नहीं करेंगे, उन तक प्रकाश नहीं पहुँचेगा, तो इस्लामिक जगत कैसे मान सकता है। यही कारण है कि 12 साल का बच्चा कुरान को रट तो लेता है, लेकिन उसमें ये पता नहीं उस बेचारे को कुरान की एक एक आयत का अर्थ क्या है। यह सुबह तो सुंदर साद को मिलनी थी, वो चारों वेदों के रहस्य को जान सकते थे, उपनिषदों के रहस्य को जान सकते थे, दर्शनों की व्याख्या कर सकते थे, कुरान की व्याख्या करके सबको समझा सकते थे, लेकिन इसको समझाने के लिए तो स्वयं परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम किए तो कुछ नहीं होगा। हमें पुरुषार्थी बनने के लिए प्रेरित किया गया है। आप अष्टभर की लीला में देखिए, दिल्ली का प्रसंग देखिए, 7 दिन तक 3 दिन तक श्री जी तफसीर हुसैनी सुनते रहते हैं, किस लिए? सुंदर साथ को शिक्षा देने के लिए। उनको सुनने की क्या हो सकता है, लेकिन सुनना है। और लालदास जी और श्री जी स्वयं बैठ करके लिखते हैं, जब खुलासा में वो कहते हैं कि पढ़िया नहीं फारसी ना कछ हरब आरम, तो कायम मुल्ला को बुलाकर एक अनजान व्यक्ति की तरह सुन रहे हैं ताकि कोई उनके स्वरूप को पहचानने ना पाए। ये माया अमल उतारे श्री महामत मेरा टोने ही को अगर, कोई भी स्वरूप इस संसार में आएगा तो प्रकृति की मर्यादा को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यदि वो शक्ति प्रदर्शन करके तोड़ देता है तो अनर्थ हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां वैसे ही चमत्कार की आशा करेंगे और पुरुषार्थ करना बंद कर देंगे, तो परिणाम क्या होगा? समाज का एक वर्ग आलसी हो जाएगा और भटकाव में चला जाएगा। यही कारण है कि सर्वशक्तिमान अक्षरातीत होते हुए भी अनूप शहर में सनंद का अवतरण होना है, इसलिए कुछ मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कि सुंदर साहब स्वयं सुने। श्री जी कह देते कि देखो मैं अक्षरातीत हूँ, मैं कुरान के भेद जानता हूँ, तो आप जानते हैं ये दुनिया वहम की दुनिया है। कुछ मान लेते और कुछ सामने कह देते, पीठ पीछे जाकर कहते कि ये महाराज अपने मुँह से अपने को अक्षरातीत मान रहे हैं, हमें तो विश्वास नहीं। पन्ना जी में साक्षात लीला हो रही है, सुंदर सात को इन नैनों से राज्य के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं। जाको दिन जिन भात सो तासो मिले तीन विध, मन चाहिया स्वरूप हो के कार्य किए सब सिद्ध। लेकिन फिर भी 5000 सुंदर सात तो संख्या में अवश्य थे, पीठ पीछे कुछ न कुछ बातें होती ही रहती थी, सबने उनको दिल से पूरा नहीं माना। साथ हैं तभी तो कहते हैं दूध तो देखा नहीं देखा ऊपर काफी। और पूरा प्रकरण इसी बात पर आधारित है, ये भी लगे दुख थे। इसका कारण क्या है? यदि वे 5000 सुंदर साथ पूर्ण रूप से पहचान लेते तो शायद ये क्रंदन नहीं उतरता। कईयों जन्म खोया अपना रहे धनी के जमाने, उस स्वरूप के साथ रखकर भी अधिकतर की आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। यही कारण है कि श्री जी के तन से लीला होते समय भी संसार उनकी पहचान नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें छिप करके रहना था, परम धाम की आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर उन्हें जगाना था। यदि कोई चमत्कारिक लीला कर देते तब तो सारा संसार उमड़ पड़ता और ब्रह्म सृष्टि को किनारे कर दिया जाता। आप साईं बाबा को देखिए, कुछ चमत्कार क्या दिखा दिया, सारा हिंदू समाज टूट पड़ा उनके ऊपर कि हम तो परमात्मा को नहीं मानेंगे, इन्हीं को साक्षात परमात्मा मानेंगे। वे बेचारे कहते कहते चले गए, सबका मालिक एक, दुनिया कहती है कि नहीं हम तो आपको ही अपना मालिक मानेंगे।
वे घर घर भिक्षा मांगा करते थे, आज उनके लिए सोने का सिंहासन है, सोने की खड़ाऊ है, सोने का छत्र है। साईं बाबा ने कभी सोने की खड़ाऊ तो नहीं पहनी, लेकिन दुनिया इसलिए चढ़ाती है कि हम साईं बाबा को परमात्मा मान लेंगे तो हमारी धन संपदा में बरकत हो जाएगी। निष्काम प्रेम नहीं है दुनिया का। ऐसी मायावी दुनिया में अक्षरातीत आए तो अपने स्वरूप को छिपा करके आए कि मात्र परम धाम की परमात्मा ही पहचान पाए। कह रहे हैं कि संसार वाले तो बेचारे नादान हैं, वो पहचान नहीं पाए, लेकिन जो मोहम्मद के अनुयायी हैं वो भी कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की सूरत नहीं, जबकि कुरान की आयत क्या कहती है, रुए तरवे फिल लैलतुल मेराज, मेराज की रात्रि में मैंने परब्रह्म का साक्षात्कार किया है। तो काहे को कहावे मोहम्मद के, श्री जी कह रहे हैं कि जब एक तरफ तो कहते हैं कि हम मोहम्मद पर ईमान लाने वाले हैं, हमारा दृढ़ ईमान है, अटूट ईमान है, तभी तो हम मुसलमान हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। जब आप कुरान की आयतों से ये सिद्ध कर देंगे कि अल्लाह ताला फरदा रोज को यानी 11वीं सदी में आना सिद्ध होता है तो वहाँ बंगले झांकने लगेंगे, वो कहेंगे कि मुसलमानों में तो ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलती, तो किसी भी कीमत पर प्राणनाथ जी को आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं होते। और ये आतंकवाद क्यों तेजी से बढ़ रहा है, इसका भी एक विशेष कारण है। हदीसों में कहा गया है कि जब इमाम मेहदी आएंगे तो सारे संसार में इस्लाम फैल जाएगा। इस्लाम का अर्थ क्या होता है, शांति का मार्ग, वो है ज्ञान जो सबको परम शांति दे। इसका संकेत तो तारतम वाणी के प्रकाश के लिए है, उन्होंने जाहिरी इस्लाम को पकड़ रखा है कि हमारी तरह ही कोई रोजा रखे, नमाज पढ़े, हज करे, जकात करे, हमारी शरीयत के नियमों को माने तो इस्लाम का अनुयायी है। हकीकत के बारे में उन्होंने सुना नहीं, मारिफत के बारे में सुना नहीं, अपनी झूठी शरीयत को जबरन थोपने के लिए उन्होंने बंदूकें उठा ली हैं कि यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तब तो हमारा कुरान झूठा हो जाएगा, क्योंकि फरदा रोज का तात्पर्य ही होता है 11वीं सदी, अब 14वीं सदी पूरी होने वाली है, क्या हमारा कुरान झूठा हो जाएगा, क्या हमारे मोहम्मद साहब के वचन झूठे हो जाएंगे, इसको पूरा करने का उत्तरदायित्व तो हमारा है। और इसलिए इस्लाम के खतरे को बचाने के लिए बंदूक उठाओ और सबको इस्लाम के झंडे के नीचे ला दो। यही कट्टरवादी विचारधारा आज आतंकवाद की जड़ है। 10 आतंकवादी को मारते हैं 100 पैदा हो जाते हैं, क्योंकि विचारधारा के मूल में कट्टरता है, हताशा है। यदि उनको सत्य ज्ञान पता चले तो शायद हो सकता था कि अपने आतंकवादी विचारधारा का उपत्याग करके अपने हथियार रख सकते थे, लेकिन हम तो अपने घरों बैठे आराम करते रहे। यदि वाणी का प्रकाश फैला होता तो संसार को कुछ तो मालूम होता। आप देखिए अहमदिया मत कितने साल से चल रहा है, 100 साल से, और दुनिया के 62 देशों में लगभग फैल, 62 से ज़्यादा देशों में, 80 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो गया। हम 300 साल से हम क्या किए, हम तो सारे विश्व को, चाहे पारसी हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, संत मत का मानने वाला हो, हिंदुओं के 1000 संप्रदायों को अपने से जोड़ सकते थे, सत्य की पहचान करा सकते थे, लेकिन ये संप्रदाय बनाना घातक हो गया। कोई भी सोचता है कि हम अपने इनके संप्रदाय को क्यों ग्रहण करें, हम अपना मत क्यों परिवर्तित करें, विचारधारा को हमें बदलना था, धर्म परिवर्तन या मत परिवर्तन नहीं कराना था। ये तो गत संसार की जो खैचा खैच करत, अपन तो साथी धाम के है हमें नूर मत। जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है, हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान देना चाहिए था संसार को, कोई संप्रदाय या धर्म नहीं खड़ा करना चाहिए था। लेकिन आज तो हमने हिंदू धर्म के समानांतर एक श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म बना लिया है। जब तक संप्रदाय था तब तक थोड़ी बात ही हिंदुओं में हम कह सकते हैं कि निजानंद संप्रदाय है। हम कल को जैसे भारतवर्ष में पेपर भरा जाता है बच्चे का परीक्षा फार्म, तो उसमें लिखा जाता है कि आपका धर्म क्या है,
किसी ने नहीं, यदि सुंदर जात के बच्चे ने लिख दिया कि हमारा धर्म श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म है, कल तो सरकार खोज करेगी। हिंदू धर्म के अलावा श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म कहाँ से नया धर्म आ गया? तो एक जैन धर्म है, एक बौद्ध धर्म है, एक सिख धर्म है, एक चौथा ये भी हो गया, पांचवा अब बताइए। संविधान के अनुसार जैन बौद्ध सिख मत हैं, इनके आचार्य इनके गुरु सभी हिंदू रहे हैं। हमने भी जैन बौद्ध और सिखों के समानांतर एक श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म की जो उत्पत्ति की है वो कहीं ना कहीं भूलवश की है। हम सारे संसार के लिए हैं, हम शरीर से संस्कृत से भाषा से हिंदू संस्कृत में पले बड़े हैं, हमारी संस्कार भारतीय संस्कृत के हैं। अपने संस्कारों की रक्षा करते हुए सबको अपना ज्ञान हमें देना चाहिए था, वैष्णव को समझाना चाहिए था, शैवों को समझाना चाहिए था, शक्ति के उपासकों को समझाना चाहिए था, वेदांतियों को, वेद के अनुयायियों को समझाना चाहिए था, क्रिश्चियनों को, यहूदियों को, पारसियों को, सबको समझाना चाहिए था, देखो तुम्हारे ग्रंथ में ये है और वास्तविक सत्य ये है। लेकिन इसके लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना हो पड़ेगा, व्यापक भावना रखनी पड़ेगी, मत पंथ वर्ग क्षेत्र की परिधियों से ऊपर उठना पड़ेगा। एक दूरदर्शी दृष्टि के द्वारा ही ऐसा हो सकता था, दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। राज्य को जो मंजूर था वही हुआ, बलिसी केवलम ईश्वर इच्छा, उनकी इच्छा के बिना हम क्या कर सकते हैं। यदि मैं मन से सोचता रहूं कि ऐसा नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ, तो बस इतना ही कहना पड़ेगा राज्य की ऐसी ही इच्छा थी, तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जागने के अंतिम चरण में यदि हमें थोड़ा सा समय मिला है तो हमें कमर कसनी है कि हम समुद्र पर पुल बनाने का साहस नहीं रखते, तो कुछ रेत की कुछ बोरियां तो ज़रूर उसमें रख दें, ताकि इतना तो कह सकते थे कि राज्य क्या करें, हमें आखिर में आपने समय दिया, पहले समय दिया होता तो कुछ करने का साहस कर सकते थे, ना ही से तो कुछ बोला। यदि हम संसार को बदलने की सामर्थ्य नहीं रख सकते, थोड़ा बहुत परिवर्तन तो हो ही जाएगा, लेकिन यदि मैं कहता हूँ 300 साल पहले से प्रयास होता तो हो सकता था संसार की दिशा बहुत सारी नहीं तो बहुत कुछ बदल सकती थी, क्योंकि संसार को एक प्रकाश मिल सकता था कि सनंत की वाणी क्या कहती है, किरंतन की वाणी क्या कहती है, खुलासा मार्फत सागर की वाणी क्या कहती है। ये प्रकाश उन आतंकवादी देशों में जाता जहाँ आतंकवाद की नर्सरी है, जहाँ 10-10 साल के बच्चों को आतंकवाद सिखाया जाता है, कुरान की आयतें रटाई जाती है और कहा जाता है कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, उसको मारो, कुरान में जो लिखा नहीं उसकी उल्टी व्याख्या आतंकवाद को प्रश्रय दे रही है। ये ग्रंथ खुलासा ग्रंथ इसीलिए है कि वेद और कतेब का एकीकरण किया जाए, किंतु हम सुंदर सात खुलासा ग्रंथ की महत्ता को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी भावनाएँ वैष्णव संप्रदाय से जुड़ चुकी है। हम भागवत को मानते हैं, सारे ग्रंथों को नहीं मानते। हम उस भागवत की महिमा गाते हैं जिसमें गोपोड़े ही गोपोड़े भरे हुए हैं। मनु ने नाक छिंक दिया, इच्छाओं को पैदा हो गया। बताइए किसी की नाक की छिंक से इच्छाओं को कहाँ से पैदा होगा। प्रियव्रत राजा ने रथ घुमा दिया तो समुद्र बने, जब समुद्र थे ही नहीं तो पृथ्वी कहाँ से पैदा हो गई और प्रियव्रत राजा कहाँ से पैदा हो गए। अत्रि ऋषि ने अपनी आंखों से चंद्रमा को पैदा कर दिया। भागवत लिखने वाले ने पता नहीं लिखते समय भांग के लोटे चढ़ा लिए, क्या कर लिया, ये नहीं सोचा कि अत्रि ऋषि की आंखों से चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी। पहले अत्रि पैदा हुए कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पैदा हो गए। इसलिए ये सारी बातें किसी बुद्धिजीवी के गले नहीं उतरती हैं जो भागवत में लिखी है, उसकी तो हम महत्ता जोर शोर से बता रहे हैं, लेकिन वाणी के क्षेत्र में तो संसार के सारे ग्रंथ आते हैं, चारों वेद आते हैं, चार उपवेद आते हैं, छह अंग आते हैं, छह उपांग आते हैं, 1127 शाखाएँ आती हैं, कतेब ग्रंथ तौरेत इंजिन जंबूर आते हैं। हम एक छोटे से ग्रंथ को लेकर सब कुछ सर्वज्ञता का दावा कर लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सच है। कौमुदी व्याकरण और इस भागवत ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है, क्योंकि ये थोड़ा सा अल्पज्ञान कहा जाता है ना, अल्पज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
ऐसे ही कौमुदी व्याकरण जिसने थोड़ा सा पढ़ लिया, भागवत के कुछ श्लोक याद कर लिए, भागवत की कथा करनी आ गई, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ जाती है, एक जनता की भीड़ जुड़ जाती है, और जिसके पास बहुमत होता है उसको कौन बताए समझाए। और ये लोकेशना की ज्वाला सत्य से किसी को भी दूर कर सकती है। मेरे कहने का सही यह है, हमारा दृष्टिकोण इतना व्यापक बने कि हमारी दृष्टि में संसार के सारे ग्रंथ रहें, और उन ग्रंथों की साक्षियां देकर परम धाम की ब्रह्मवाणी की महिमा को हम उजागर करें, तो हम इत भी धन धन होंगे और उत भी धन धन होंगे। क्योंकि धनी ने कहा है, सो तो दिया मैं तुमको, सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी शुद्ध दियो और को तित चले तुम्हारा होगा। यह तारतम वाणी जिसको कतेब की भाषा में कुलजम कहते हैं। संसार के समस्त धर्म ग्रंथों का सार तत्व तो निहित है ही, जो ग्रंथों में नहीं था उससे भी परे की बात इस तारतम वाणी में नहीं थे। सागर की गहराई से भी गहरा है ये ज्ञान। जैसे दरियाए कुलजम पर मूसा पैगंबर ने अपनी चमत्कारिक लाठी से पुल बना दिया था, जिस पुल के सारे ब्रह्म सृष्टियों की सेना, तो ब्रह्म सृष्टियों का समूह तो पार कर गया और शैतान की सेना उसमें डूब गई थी। फिरौन की सेना डूब जाती है, हारून की उम्मत पार हो जाती है, इसका तात्पर्य क्या है? हारून है महाराजा 36 साल के साथ, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं उस भवसागर से पार हो जाएंगी, अपने प्रीतम को पालेंगी और मायावी शक्तियाँ इसमें डूब जाएंगी। मेहती हद्दा कर दई घर इमाम बताई रा, पहुँचे अर्श मेराज में हंस मिलिया रूहे खुदा है, सबको मेराज का स्वर्णिम अवसर दे दिया। पहुँचे अर्श मेराज में हंस मिलिया रूहे खुदा है, या मत सोचिए केवल मोहम्मद साहब को मेराज हुआ, तीनों सूरतों को मेराज होता है, और इस वाणी के द्वारा सारे संसार के लिए मेराज का दरवाज़ा खोल दिया गया, जो आज तक इस सृष्टि क्या इसके पहले अनंत बार सृष्टि बनी है, अनंत बार बनती रहेगी, लेकिन सच्चिदानंद अक्षरातीत के दर्शन का द्वार नहीं खोला गया था। अव्याकृत सबलिक केवल का द्वार वेद के द्वारा खोला जा सकता है, अक्षरातीत के दर्शन का द्वार आज तक न खुला था, न इस लीला के बाद कभी खुलेगा। हम मंदभाग्य हैं जो ब्रह्मवाणी की गरिमा को नहीं पहचाने। एक वैष्णव पंथ का अनुकरण करने वाला छोटा संप्रदाय बनाकर हमने रंग में भंग डाल लिया। वैसे ही जैसे दही में मक्खी पड़ जाती है, हमारी संकीर्ण विचारधारा ने दही में मक्खी पड़ जाने का काम किया और सारे संसार को इस अनमोल ज्ञान से वंचित कर दिया। अब चौपाई दूर है। तो काहे को कहावे मोहम्मद के, जो इतना करे सहूरा, कौल मोहम्मद रद होत है, जो हक सुखिया मजकूरा, जो हक सुखिया मजकूरा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे।